हेलो गाइस, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं तुला एसेंडेंट तुला लगन वालों के लिए राहु का ट्रांजिट कैसा रहेगा, बिकॉज राहु का ट्रांजिट हो रहा है 23rd of September 2020 को वृषभ राशि के ऊपर, यानी टॉरस राशि के ऊपर, और 18 मंथ तक राहु टॉरस में रहेगा, यानी वृषभ में रहेगा। और इसके साथ साथ केतु भी ट्रांजिट हो रहा है और केतु स्कॉर्पियो साइन में रहेगा 18 मंथ तक, बिल्कुल राहु के अपोजिट। तो लिब्रा राशि और लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है, इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, और जो बेनिफिट होगा वो लिब्रा राशि वाले जितने भी हैं या लिब्रा एसेंडेंट वाले जितने भी हैं, उन सबको एक जैसा होगा या अलग अलग होगा। और ये जो ट्रांजिट है ये 23rd September 2020 को स्टार्ट होगा, और स्टार्ट मतलब 23rd September 2020 को ये ट्रांजिट हो जाएगा और 12th ऑफ अप्रैल 2022 तक राहु टॉरस साइन में आपके 8th हाउस में रहेगा और केतु आपके 2nd हाउस में आएगा स्कॉर्पियो साइन में। टॉरस साइन में राहु अपने एग्जल्टेशन में माना जाता है, बिकॉज टॉरस साइन जो है वो पैसे का साइन है, वैल्यू का साइन है, और राहु यहाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। दूसरी तरफ केतु स्कॉर्पियो साइन में आएगा और स्कॉर्पियो साइन का संबंध है तंत्रा से, मंत्रा से, और आपकी वैल्यू के बिल्कुल अपोजिट वाला साइन है यहाँ, जहाँ पर वैल्यू आपकी ख़त्म हो जाती है स्कॉर्पियो, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। तो राहु वहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता है, लेकिन केतु वहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि केतु चीज़ों को डिसॉल्व कर देता है और स्कॉर्पियो साइन भी चीज़ों को डिसॉल्व कर देती है, यानी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देती है। इसलिए स्कॉर्पियो साइन केतु का अपना घर माना जाता है, केतु स्कॉर्पियो साइन का लॉर्ड है। तो लिब्रा राशि और लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए ट्रांजिट कैसा रहेगा। अब राहु अगर आपके 8th हाउस में आएगा तो 8th हाउस से राहु आपके 12th हाउस को, 2nd हाउस को और 4th हाउस को देखेगा, और 8th हाउस में राहु की प्लेसमेंट है। देखिए, राहु का जो ट्रांजिट है इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अगर इसको समझना है, देखना है, तो उसके लिए आपको वीनस यानी शुक्र की प्लेसमेंट को देखना होगा। शुक्र अगर 8th हाउस में है, केंद्र भाव में है, त्रिकोण भाव में है, 2nd हाउस में है, 11th हाउस में है, 6th हाउस में है, बिकॉज 6th हाउस में शुक्र अपने एग्जल्टेशन में होगा, और राहु अगर यहां से ट्रांजिट कर रहा है, यानी अगर आपके चार्ट में शुक्र की अगर ये प्लेसमेंट है और शुक्र की दशा चल रही है और राहु का ट्रांजिट यहां से हो रहा है, तो आपको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन 8th हाउस में अगर राहु आ रहा है, टॉरस साइन में अगर राहु आ रहा है, तो 8th हाउस की चीज़ों को राहु एम्पलीफाई करेगा। 8th हाउस का संबंध है तंत्रा से, मंत्रा से, रिसर्च से। कोई भी सीक्रेट रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और उससे आप वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। 8th हाउस का संबंध है आपके पार्टनर की सेविंग से, तो इस पीरियड में आपके पार्टनर की सेविंग भी आपको मिल सकती है, लेकिन उसके लिए वीनस की पोजिशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। 8th हाउस का संबंध है इंश्योरेंस के पैसे से, अगर कोई इंश्योरेंस चल रहा है किसी का तो उसका पैसा भी मिलने के चांसेस हैं। 8th हाउस का संबंध है हिडन ट्रेजरी से, यानी जो आपका कमाया हुआ पैसा नहीं होता है, जो आपका जहां पर आप बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, मेहनत नहीं करते, मतलब जिस पैसे को आप खुद जनरेट नहीं करते, खुद नहीं कमाते, जैसे मदर फादर का पैसा, किसी की मृत्यु के बाद अगर कोई पैसा मिलता है, ऐसे पैसे का योग बन रहा है और ऐसे पैसे का फायदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए शुक्र की दशा का चलना भी बहुत जरूरी है। अगर शुक्र की दशा चल रही है, राहु यहाँ से ट्रांजिट हो रहा है, तो इनहेरिटेड वैल्यू और वेल्थ का गेन करवाता है। 8th हाउस का संबंध है सेक्सुअल एक्टिविटीज से, तो इस पीरियड में इन सब चीज़ों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है यहाँ से 12th हाउस में, 12th हाउस का संबंध है फॉरेन सेटलमेंट से, 12th हाउस का संबंध है आध्यात्म से, और 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को।
तो ऐसी चीजों में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। अगर आप कहीं विदेश में जाना चाहते हैं, किसी मॉनेस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई स्टूडियो खोलना चाहते हैं, कोई लेबोरेटरी खोलना चाहते हैं, कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो एक कन्फाइंड स्पेस में रह के हो, ऐसी चीजों में आपको फायदा मिल सकता है। लेकिन उसके लिए मर्करी की पोजीशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। मर्करी अगर अपने ओन साइन में है, ट्वेल्थ हाउस में है, केंद्र भाव में है, त्रिकोण भाव में है, सेकंड हाउस में है या इलेवेंथ हाउस में है, तो राहु का ये जो ट्रांजिट हो रहा है यहां से और इसका जो एस्पेक्ट पड़ रहा है, इन चीजों से आपको बेनिफिट होगा। राहु का सेवेंथ एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके सेकंड हाउस में, लेकिन सेकंड हाउस में ऑलरेडी केतु प्लेस्ड है। केतु के होने के कारण यहां राहु का जो एस्पेक्ट है वो ज्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन केतु अगर सेकंड हाउस में है तो जो भी आपकी सेविंग है उसका ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात यह है, राहु का एस्पेक्ट नाइन्थ एस्पेक्ट पड़ रहा है फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस का संबंध है प्रॉपर्टी से, आपके सुख से, जमीन जायदाद से। अगर आप कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। लेकिन उसके लिए आपको शनि की प्लेसमेंट को भी देखना होगा। शनि अगर अपने ओन साइन में है, केंद्र भाव में है, त्रिकोण भाव में है, सेकंड हाउस में है, इलेवेंथ हाउस में है, नाइन्थ हाउस में है और शनि की दशा चल रही है और राहु यहां से गोचर कर रहा है, राहु का यहां पर एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो इस पीरियड में आपको मासिव गेन हो सकता है। आप प्रॉपर्टी वगैरह अगर खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं या कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसमें आपको फायदा हो सकता है। लेकिन सबको जानने के लिए हमें पहले ये देखना है कि हमारी दशा कौन सी चल रही है और राहु जिस हाउस से ट्रांजिट हो रहा है उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट क्या है। राहु का एस्पेक्ट जहां पड़ रहा है वहां के हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट क्या है। अगर उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, राहु यहां से ट्रांजिट हो रहा है, तो आपके लिए ये जो राहु का ट्रांजिट है ये बहुत फायदेमंद रहेगा और इस पीरियड में आपको बहुत गेन भी हो सकता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया लिब्रा राशि और लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए राहु का ट्रांजिट कैसा रहेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु के बारे में या राहु के ट्रांजिट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।